अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन बीनिश का टिफ़िन। आज बीनिश के टिफ़िन में बना रहे हैं हम परफेक्ट पिज़्ज़ा डो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। यहाँ पर हमने लिया है 1 kg मैदा, 1 tablespoon ईस्ट, 6 tablespoon यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। आपको टी वाइटनर नहीं लेना है, कोई सा अच्छा जो भी आप यूज़ करते हैं ब्रांड उसका आपको मिल्क पाउडर लेना है, वाइटनर टी वाइटनर नहीं लेना। 6 tablespoon मिल्क पाउडर, 4 tablespoon ऑयल, 4 tablespoon शुगर, 1 tablespoon सॉल्ट, 1 अंडा लेना है और नीम गरम पानी आपको एज रिक्वायरमेंट यानी हसब ज़रूरत जितना आपको गूंदने के लिए यूज़ हो नीम गरम पानी लेना है इसमें। तो चलिए हम इसका डो बनाते हैं, परफेक्ट पिज़्ज़ा डो हम रेडी करते हैं। सबसे पहले हम ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो मिक्स कर लेंगे हम मैदे में। ये हमारे पास मिल्क पाउडर, शुगर, ईस्ट, ये सॉल्ट। अब हम इनको पहले अच्छी तरह ये सारे ड्राई जो इंग्रेडिएंट है वो मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हम 1 अदद अंडा और ये ऑयल डालकर हम इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। इसको हमें रोटी का जो आटा होता है उस इतना ही सॉफ्ट गूंदना है। चलिए हम इसको नीम गरम पानी से गूंद लेंगे। अब हम इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा वरना ये डो जो आप बना रहे हैं पतला ना हो जाए, सॉफ्ट रहे, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। ये हमारा पिज़्ज़े का डो रेडी हो गया है, परफेक्ट पिज़्ज़ा डो। ये देखें, ये रोटी का जो आटा होता है इतना सॉफ्ट है, ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए ये कि हमारी फिंगर यूँ अंदर हो जाए, हार्ड ना हो, वरना पिज़्ज़ा बहुत हार्ड बनेंगे, इसका जो बेस होती है वो अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इसको एक बाउल में करके रख देंगे। पहले हम बाउल को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। हमने इसको बाउल को अच्छी तरह ऑयल लगा के इसमें हमने पिज़्ज़ा डो रख दिया है। अब हम इसको क्लिंग की मदद से रैप करेंगे और फिर हम इसको 3 घंटे के लिए रख देंगे। इसको पहले हमने क्लिंग से रैप किया है, फिर हम कवर लगाएंगे। इस तरह से रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा राइज हो गई है। अब हम इसको 3 घंटे के लिए रख देंगे। जब ये राइज हो जाएगा तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं कितना अच्छा बना ये डो। ये देखें कितना अच्छा राइज हो गया है हमारा पिज़्ज़ा डो। ये देखें, ये पिज़्ज़ा डो रेडी है हमारा, बिल्कुल सॉफ्ट बना है। अब आप पिज़्ज़ा बनाएं, आपका पिज़्ज़ा ज़बरदस्त सॉफ्ट बनेगा। अगर आपको ये मेरी पिज़्ज़ा डो की, परफेक्ट पिज़्ज़ा डो की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी, ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।